हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ अंडा बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा मैंने और भी बिरयानी और पुलाव बना रखे हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से और बिरयानी की रेसिपीज देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेजरमेंट कप से 2 कप बासमती राइस लिया है। राइस आप किसी भी ब्रांड के ले लीजिए। नॉर्मल पानी में 5 से 6 बार राइस को अच्छी तरह से धो देंगे। नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया है, अब इसमें पानी डालकर कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। 6 अंडे लिए हैं। अंडे को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था। धोने के बाद पैन में पानी ऐड करके 1 टीस्पून विनेगर ऐड करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे इसकी सेल पे कोई गंदगी है तो वो बिल्कुल निकल जाए। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश करके सॉस पैन में ऐड कर दिया है और अब इसमें पानी ऐड किया और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर बॉयल होने देंगे। बॉयल करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और अंडे अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद सारे अंडों को पील कर लेंगे, यानी उनके छिलके हैं उनको उतार लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसमें पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें एक एक करके सारे अंडे ऐड करेंगे और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। एक्चुअली मैं अंडों पे कट लगाना भूल गया था, तो अब मैं कट लगा रहा हूँ। हल्का सा गर्म है तो मैं मैनेज कर लूँगा। आप जब अंडे पील करें उसी वक्त सारे अंडों पे कट लगा दीजिए और उसके बाद सेलो फ्राई कीजिए, जिससे मसाला अच्छी तरह से अंडे के अंदर तक चला जाए। तो आप देख सकते हो, इस तरह से सेलो फ्राई करने से पहले सारे अंडों में कट लगाना है और अच्छी तरह से सेलो फ्राई करना है। चारों तरफ से उलट पलट करते रहना है, जिससे चारों तरफ एक जैसा गोल्डन डार्क ब्राउन कलर आए और जले भी नहीं। तो अब अच्छी तरह से सेलो फ्राई हो गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और पैन को साइड में रख देंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी, 1 काली इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को अब लो कर देंगे और सारे स्पाइसेस को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी हल्का सा चटकने देंगे। तो अब सारे मसाले अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब इसमें 1 स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। लो गैस फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। प्याज अब हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गए हैं। 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे, जिससे जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो निकल जाए। 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टोमेटो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, करीब 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर अब हल्के से सॉफ्ट हो गया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके लो गैस फ्लेम पे मसाले को पकने देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। तो मसाला थोड़ा सा पक गया है, अब इसमें 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची, थोड़े से जुलियन किए हुए जिंजर ऐड करेंगे। उसके बाद मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे।
तो लो गैस फ्लेम पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1/4 कप फैटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद कंटिन्यू स्टर करते रहना है जिससे दही फटे नहीं। जब तक 1 से 2 उबाल नहीं आ जाता है तब तक कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। दही के साथ मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है तो आप देखते हो मसाले के ऊपर रोगन आना शुरू हो गया है। आधा टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। स्पाइसेस और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया और थोड़े ही चॉप किए हुए पुदीना ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेजरमेंट कप से 3 कप नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। उसके बाद मीडियम टू हाई गैस फ्लेम पे बॉयल होने देंगे, यानी एक बार पानी का अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो अब अच्छी तरह से उबाल आ गया है। राइस को रखे हुए भी 25 मिनट हो गए हैं। अब इसमें राइस को ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके हाई गैस फ्लेम पे बॉयल होने देंगे, यानी जब तक थोड़ा सा पानी एवोपरेट नहीं हो जाता है तब तक गैस फ्लेम को हाई रखेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब आप देखते हो पानी थोड़ा सा एवोपरेट हो गया है। गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे। सेलो फ्राई किए हुए सारे अंडे ऐड करेंगे। उसके बाद फ्राइड किए हुए अनियन ऐड करेंगे। अनियन कैसे फ्राई करते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। थोड़ी सी चॉप की हुई हरे धनिया और थोड़ी ही चॉप की हुई पुदीना ऐड करेंगे। दूध में भीगा हुआ केसर उसको ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून घी ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने के बाद गैस फ्लेम को लो कर देंगे और ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो लो गैस फ्लेम पे पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करेंगे। आप रोज़ वाटर की जगह केवड़ा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गैस फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कहीं चावल कच्चा है तो वह कच्चापन निकल जाए। ढक्कन लगाकर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हमारी अंडा बिरयानी बनकर तैयार है। इस पे चॉप किए हुए हरा धनिया, जुलियन और ग्रीन चिली से गार्निश कर लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।